वेलकम बैक मैनी किचन। स्वागत है आप सभी का हमारे पीस किचन में। मेरा नाम पीस कुमार वर्मा एंड मेरे यूट्यूब चैनल का नाम दोस्तों पीस किचन है। सो आज मैं बनाने जा रहा हूं दोस्तों खीर की रेसिपी। आशा करता हूं आप लोगों को हमारी यह रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। सो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं खीर की रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को सारा इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं, इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देते हैं। चलिए दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं खीर की रेसिपी के बारे में, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने 50 ग्राम चावल लिए हैं, ये मैं अभी भिगो के रख दूँगा इनको करीब करीब आधा घंटा के लिए। और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, थोड़ी सी मैंने किशमिश लिए हैं, थोड़े से काजू लिए हैं, थोड़ी सी बादाम लिए हैं और मैंने 1/4 चम्मच इलायची पाउडर लिया है और केसर लिया दोस्तों जो मैं थोड़े दूध में निकाल के रख दूंगा। मैंने 100 ग्राम चीनी ली है दोस्तों एंड 2 किलो मैंने दूध लिया है। इसको हम उबाल लेते हैं दोस्तों सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों गैस को करते हैं ऑन और ये रख दी हमने कढ़ाई। इसी में डालेंगे दोस्तों हम करीब थोड़ा सा पानी। सो पानी डालने के बाद दोस्तों थोड़ा पानी हम गर्म हो लेने देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पानी भी गर्म हो चुका है एंड अब इसी में डाल रहे हैं हम दूध। तो ये 2 लीटर दूध है दोस्तों, ये सारा दूध हम इसी में डाल देंगे। इसके बाद में थोड़ा सा दूध हम निकाल के रख लेंगे, उसमें केसर डाल के दोस्तों साइड पर रख देंगे ताकि जो केसर का रंग है, जो दोस्तों कलर है, वो केसर का दूध में सारा मिक्स हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको 1-2 उबाला दे लेते हैं दोस्तों एंड दोस्तों इसको एक करछी की मदद से दोस्तों हम इसको स्टर करते रहेंगे। इस तरह से हम इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद स्टर करते रहेंगे ताकि इसमें मलाई बिल्कुल भी ना बने दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा दूध बिल्कुल गर्म हो चुका है एंड अब इसमें से थोड़ा सा हम दूध दोस्तों निकाल के रख लेंगे और उसको क्या करेंगे दोस्तों उसमें हम केसर मिला के रख देंगे साइड पे, उसको हम बाद में डालेंगे दोस्तों। तो हम करीब करीब तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने इतना दूध निकाल के रख लिया करीब करीब, ये दोस्तों 300 से 400 ग्राम तक की है। और इसी में डालते हैं दोस्तों हम केसर, ये हमारी केसर है। इसको लेते हैं ओपन, ओपन करने के बाद दोस्तों हम सारी केसर इसी में डाल देंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने सारी केसर इसी में डाल दी है दोस्तों एंड इसको भी कर देते हैं मिक्स ताकि दोस्तों दूध में सारी केसर मिक्स हो जाए अच्छे से दोस्तों अपना कलर देंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों इसको हम ढक के रख देंगे। ढकने से क्या होगा दोस्तों इसकी जो मलाई बनेगी दोस्तों उससे केसर बहुत अच्छे से वो होगी। तो इसको हम ढक देते हैं इस तरह से एंड दोस्तों देख लीजिए दूध भी हमारा उबल रहा है एंड उबलने देंगे इसको थोड़ी देर और इस तरह से। फिर इसमें डालेंगे हम दोस्तों चावल, चावलों को दोस्तों हम फ्राई करके डालेंगे। तो जब तक हमारा दूध उबल रहा था तब तक दोस्तों हम ड्राई फ्रूट्स भी क्रश कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मैंने लिया एक हमाम दस्ता एंड इसमें डाल रहे हैं दोस्तों हम बादाम। सबसे पहले हम बादाम को करेंगे क्रश। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने सारी बादाम को जो है कि क्रश कर लिया, ये देख लीजिए दोस्तों। एंड इसको हम साइड पे रख देते हैं और साथ में कर लेते हैं काजुओं को कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी जल्दी क्रश हो रहे हैं ये। तो दोस्तों हमने काजुओं को भी क्रश कर लिया, ये देख लीजिए दोस्तों बिल्कुल क्रश हो चुके हैं, ये देख लीजिए दोस्तों। एंड इनको भी साइड पे रखते हैं इसी बादाम वाले प्लेट में। तो ये दोस्तों हमने काजू भी रख दिए हैं एंड दोस्तों मैंने किशमिश भी धो के रख ली है और इसको रखते हैं साइड पर। तब चलिए तब तक हम चावलों को भी दोस्तों हल्का स्टर फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए हमने चावलों को भी जो है कि भिगो के रख दिया था, करीब करीब इनको भी 20 से 25 मिनट हो गए हैं एंड इनको हम कर लेते हैं दोस्तों फ्राई हल्का हल्का। तो जो हमने दूध वाली कढ़ाई है इसको हम दूसरी गैस पे रख देंगे दोस्तों, इसको हम दूसरी गैस पे रख देंगे इस तरह से। और एक लेंगे फ्राई पैन, इसको हम गर्म होने देंगे, गर्म हो जाए फिर इसमें डालेंगे घी। तो दोस्तों ये हम देसी घी डाल रहे हैं, फ्राई पैन भी हमारा गर्म हो चुका, थोड़ा सा और डालेंगे देसी घी। तो चलिए दोस्तों इसी में हम डालते हैं चावल। एंड इस तरह से दोस्तों बहुत स्वाद बनती है खीर। अगर आप लोग चाहें तो बिना फ्राई किए भी बना सकते हैं, पर दोस्तों मैं फ्राई किए बनाता हूँ, आप लोग बिना फ्राई किए भी बना सकते हैं, पर इस तरह से दोस्तों थोड़ा सा स्वाद और बढ़िया बन जाता है।
तो चलिए दोस्तों गैस को करते हैं ऑफ एंड चावल भी हमारे हाफ फ्राई हो चुके हैं। इतना ही दोस्तों फ्राई करेंगे, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए दोस्तों। एंड फिर से दोस्तों हम गैस को कर देते हैं वापस से इसी को ऑन। इस पर रखते हैं कढ़ाई और एक बार इसको हम स्टर कर देंगे। स्टर करने के बाद इसी में डालेंगे दोस्तों हम चावल। इसी स्टेज पे दोस्तों इसमें सारे चावल हम इसी में डाल देंगे इस तरह से। इसको हम पकने देंगे थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही पका लेंगे दोस्तों। करीब करीब इसमें लग जाएगा टाइम, आधा घंटा से ज़्यादा ही लगेगा दोस्तों। और इसको हम इस तरह पका लेंगे और ढक देंगे दोस्तों, ढक के पकाएंगे। सो चलिए दोस्तों ढक देते हैं इसको फिर इसमें। एंड दोस्तों बीच बीच में हम इसको स्टर भी करते जाएंगे, हर 2 से 3 मिनट बाद दोस्तों हम स्टर करते रहेंगे इस तरह से दोस्तों, ताकि जो नीचे से लगेगा अभी लगे भी ना दोस्तों, एंड साइड से दोस्तों मलाई वगैरह भी ना जमे। तो दोस्तों इस तरह से हम स्टर करते रहेंगे, फिर से ढक देंगे इसको। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, करीब करीब इसको आधा घंटा हो गया, आधा घंटे से ज़्यादा ही हो गया दोस्तों। एंड ये देखिए दोस्तों इसका दूध की जो क्वांटिटी थी जो दोस्तों बिल्कुल कम हो गई है, एंड खीर भी दोस्तों बिल्कुल ऑलमोस्ट हमारी बन चुकी है। एंड अब इसी में डालते हैं दोस्तों हम ड्राई फ्रूट। सबसे पहले हम डाल रहे हैं दोस्तों किशमिश एंड इलायची पाउडर। इसके बाद में दोस्तों हम ये डाल रहे हैं काजू और इसको करते हैं मिक्स। तो दोस्तों हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे इसको हम। चलिए दोस्तों चीनी भी डाल देते हैं, पहले हम थोड़ी चीनी डालेंगे दोस्तों, तो थोड़ी सी बाद में डालेंगे, ताकि दोस्तों मीठा हम चेक करके डालेंगे। अगर ज़्यादा हो गया तो दोस्तों मीठा हम कम नहीं कर सकते, अगर कम हो गया तो दोस्तों थोड़ी सी बाद में भी डाल देंगे इसको। चलिए मिक्स करते हैं। एंड दोस्तों 5 मिनट के लिए इसको हम ढक देंगे। एंड दोस्तों बीच बीच में स्टर भी करते रहेंगे बार बार, क्योंकि चीनी है दोस्तों, चीनी को स्टर करना ज़रूरी है, नहीं तो चीनी दोस्तों एक जगह इकट्ठी हो जाएगी दोस्तों, गलेगी नहीं अच्छे से। तो इसलिए दोस्तों हम बार बार स्टर भी करते रहेंगे इस तरह से, फिर से ढक देंगे। तो चलिए दोस्तों थोड़ी सी हम चीनी चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों मीठा कम है इसलिए मैं थोड़ी सी दोस्तों बाकी चीनी भी डाल देता हूँ। तो इसको हम मिक्स कर देते हैं इस तरह से थोड़ी देर के लिए दोस्तों, और पका लेंगे इस तरह से। तो चलिए दोस्तों अब इसी में डालते हैं हम केसर वाला दूध। तो दोस्तों ये देख लीजिए दोस्तों, केसर इसमें बिल्कुल दोस्तों इसने अपना कलर छोड़ दिया है, एंड केसर गली भी नहीं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको हम केसर वाला दूध भी इसमें मिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों इसको मिक्स करेंगे इस तरह से, ये देख लीजिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आया इसमें। एंड इसको पकने देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि दोस्तों जो केसर वाला दूध है वो भी थोड़ा उसकी भी यानी इसमें जो दोस्तों अब थोड़ी। तो चलिए दोस्तों इसको हम 15 से 20 मिनट और पका लेते हैं अच्छे से, ढक देते हैं, गैस को कर देते हैं थोड़ी देर हाई फ्लेम पे। तो चलिए दोस्तों एक बार इसको और स्टर कर देते हैं। एंड इसको खुला ही पकाएंगे थोड़ी देर के लिए दोस्तों। सो फाइनली दोस्तों हमारी खीर बनके रेडी हो गई है, एंड गैस को करते हैं ऑफ। सो हमने गैस को ऑफ कर दी दोस्तों, एंड इसको हम ठंडा होने लेने देते हैं। क्या आप लोग देख सकते हैं हमारी खीर बनके रेडी हो गई। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा टेक्सचर आया, कितना अच्छा दोस्तों इसमें कलर आया, और कितनी अच्छे से दोस्तों हमारी खीर गाढ़ी भी हो गई। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसको हम ड्राई फ्रूट से सजा देते हैं।
सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी यह रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। सो फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। सो फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। धन्यवाद।